सिंगरौली सीधी लोकसभा निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु आदर्श आचार संहिता लगते ही पुलिस ने सिंगरौली जिले से लगे सीमावर्ती राज्य एवं जिले में सुरक्षा बढ़ा दी है और शहर में फ्लैग मार्च भी किया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सिंगरौली पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता ने जिले में प्रवेश करने वाले वाहनों की सघन जाँच करने के निर्देश थाना प्रभारियों को दिए। बॉर्डर चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारी कर्मचारियों को गुजरने वाले हर गाड़ी की मुस्तैदी से जांच करने और अवैध और संदिग्ध परिवहन पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कहा, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, ऐसे में शराब तथा अन्य संदिग्ध सामग्रियों के अवैध परिवहन के मामले सामने आते हैं। इन सभी पर बारीकी से नजर रखें और उन पर प्रभावी कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। फ्लैग मार्च के दौरान आम जनता से प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग कर शांति व्यवस्था बनाए रखने और भय मुक्त होकर मतदान करने की अपील की गई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।